हेलो दोस्तों, वो कैब 24/7 में मैं विनय कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2020 में हम पढ़ने वाले हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरीज, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उनका रिवीजन करते हैं। एंटोनियम और सिनोनिम्स को भी संग में कवर करते हुए चलते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है, उसे दबा दीजिए, ठीक है। और अंत में अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा। बस, अब सबसे पहले वर्ड जो है हमारा यहाँ पर, सबसे पहला वर्ड है हमारा एसोटेरिक, ठीक है। इसोटेरिक मतलब क्या होता है? इसोटेरिक मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिसे मतलब कुछ ही लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और मतलब छिपी हुई चीज़ें होती हैं ये, जो मतलब गूढ़ पुरुष होते हैं वही इस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप समझते हैं, बहुत ही मतलब कम लोग होते हैं जो हर लैंग्वेज को जानते हैं और हर चीज़ को समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसोटेरिक मतलब क्या होता है? छुपा हुआ, ठीक है। गूढ़ पुरुष कह सकते हैं इसको, और मतलब बहुत ही कम लोगों को समझ में आने वाला, ये इसकी मतलब मीनिंग हो गई। तो यानी कि मैंने आपको यहाँ पर कई सारी मीनिंग बता दी हैं। अब इसके अगर हम सिनोनिम्स की बात करें, तो सिनोनिम्स होता है इसका यहाँ पर एब्स्ट्रूज। आपको कई बार ये कई सारी किताबों में मिलेगा, एब्स्ट्रूज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, जो क्या होता है, कम ही मतलब छुपी हुई चीज़ों को समझ ले, ठीक है, एब्स्ट्रूज। और ऑब्स्क्यूर और आर्केन, ठीक है, ये सब क्या है, सिमिलर वर्ड्स हैं। एंटोनियम्स होता है इसका सिंपल और फेमिलियर, ठीक है, सिंपल और फेमिलियर इसका एंटोनियम होता है। आपने देखा होगा जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रियों के बारे में सभी लोग नहीं जानते, ठीक है, और कुछ ही लोग होते हैं जो सबके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा तांत्रिक लोग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो आपके अंदर के दोष और मतलब जो अच्छाई दोष सब देख लेते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, गूढ़ पुरुष होते हैं, ठीक है, याद रखिए। फिर अगला जो वर्ड है हमारा बल्ज। बल्ज का मतलब होता है उभार, ठीक है। उभार से मीनिंग ये है, जैसे कि यहाँ पर आपको एक पेड़ दिख रहा है, इस पेड़ में क्या है, ये उभार है, ठीक है, इसको देखिए, तो ये क्या है, बल्ज है, ठीक है। और इसका सिंपल वे में हम मीनिंग ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके चोट लग जाती है, चोट लगने पे क्या होता है, गांठें आ जाती हैं, तो वो क्या होता है, बल्ज होता है। या इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कहें तो एक ऐसी चीज़ जो उभर के बाहर निकल आए, उसमें नोक हो, ठीक है, तो ये भी इसका एक मतलब होता है, बल्ज का मतलब, ठीक है। इसका सिनोनिम्स होता है लंप और बम्प। तो देखिए लंप भी सही है और बम्प, ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं हिस्ट्री से, ठीक है, देखिए बम्प, ठीक है। एंटोनियम्स होता है इन ग्रोथ, ठीक है, जो क्या है, ग्रोथ में होता है। देखा होगा आपने कई जगह ऐसी चीज़ों को, ये क्या होता है, ये होता है बल्ज, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधे सीधे, ये क्या है, बल्ज है, और यहाँ पर ये दिख रहा है आपको बल्ज, ठीक है, मैंने बताया था उभरा हुआ, ठीक है, ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा एमुलेट। एमुलेट मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर जो एमुलेट है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की नकल करना, ठीक है, क्या होता है, नकल करना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी मतलब बिहेवियर की नकल करना या किसी मॉडल की नकल करना। आपने देखा होगा लोग मतलब जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी नकल करते हैं, तो ये सब क्या है, एमुलेट होता है, ठीक है। तो एमुलेट क्या होता है, नकल करना। सिनोनिम्स होता है इसका इमिटेट, रिचो, रिपीट और फैलो, ये सब फॉलो, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है नेगलेक्ट, रिप्रूव, प्रोस्क्राइब और द फ्रॉन्ट, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। आगे देखते हैं, आपने देखा होगा ये सब बिल्कुल क्या होते हैं, एमुलेट होते हैं, ठीक है, डैड और सन एमुलेट होते हैं, बिल्कुल एकदम कॉपी, ठीक है, नकल, इतना याद रखिए। अगला जो वर्ड है हमारा क्या है, ऑनस। ऑनस मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, क्या होता है, जिम्मेदारी। और ये जो जिम्मेदारी है, ये आपको बड़ों की जिम्मेदारी मिलती है या किसी कर्तव्य की, मतलब बहुत ही बड़ा आपको कर्तव्य होता है, उसको हम बोलते हैं ऑनस, ठीक है। सिनोनिम्स होता है इसका, सिनोनिम्स होता है इसका बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लियाबिलिटी और ऑब्लिगेशन, ये सब क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, बेनिफिट और ब्लेसिंग, इसके एंटोनिम्स होते हैं। यहाँ पर इतना है, आगे देखा होगा आपने ये चीज़ आजकल, ठीक है, इस समय सबकी ही जिम्मेदारी है, किस चीज़ की, ठीक है, पृथ्वी को कोरोना से बचाने की। तो यहाँ पर पूरा याद रखिए कि जो जिम्मेदारी है, ठीक है, वो केवल पीएम पे नहीं है, वो क्या है, पूरी पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी पृथ्वी के सभी लोगों की है, ठीक है, किसी एक की नहीं है, सभी लोगों की है। तो ये सब क्या है, ऑनस है, ठीक है, हम सबको क्या करना है, पृथ्वी को बचाना है और कोरोना से
इससे दूर लेके जाना है। तो यानी कि हमारी जिम्मेदारी पृथ्वी को कोरोना से बचाने की, ठीक है, इतना आप बिल्कुल याद कर लीजिए इसे। एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है कि जैसे कम, ठीक है, यहाँ एलिवेट में होता है जैसे कम, आप यहाँ से वेट से याद कर सकते हैं एलिवेट। कभी कभी आपको दुकानदार भी कम तोल देता है, तो कम, अब जब दुकानदार आपको कम तोलता है तो आपको दर्द होता है, ठीक है, उसने हमें ठग लिया। तो एलिवेट का मतलब होता है कम दर्द, ठीक है, एलिवेट का मतलब क्या होता है, कम दर्द। और वो कम दर्द कब होगा, जब आपको ज़्यादा वेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिनोनिम्स होता है इसके हेल्प और सूथ, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है एग्रेवेट और एग्जर्बेट, ये सब इसके एंटोनिम्स होते हैं। आपने देखा होगा अले 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 एलिवेट, हम क्या करते हैं, किसी को भी पुचकार कर, किसी को भी सहारना देकर उसका दर्द कम कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा हो ना, कई बार करा होगा आपने अले अले अले, तो इससे याद रखिए एलिवेट से, ठीक है। अगला जो वर्ड है हमारा वो है हमारा ग्रिसली, ठीक है। ग्रिसली का मतलब क्या होता है, कॉजिंग हॉरर और डिसगस्ट, कॉजिंग हॉरर और डिसगस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना, ठीक है। और इसका सबसे जो इम्पॉर्टेंट मीनिंग है वो आता है आपका ग्रूसम, बहुत ही आता है, बहुत ही आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका, ग्रूसम, घास्टली, फाइटफुल, हॉरिड, ये तो सिंपल है पर आप ग्रूसम जरूर याद कर लीजिए इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डरावना, बहुत ही ज़्यादा भयानक, ये सब क्या होते हैं इसके मीनिंग्स होते हैं। एंटोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स होता है इसका प्लीजेंट और अट्रैक्टिव, इसके एंटोनिम्स होते हैं। देखा होगा आपने, ठीक है, डरावना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना है ये सब क्या है आपका, ग्रिसली है, ठीक है, और इस कैरेक्टर का नाम भी ग्रिसली है, ठीक है। स्कॉफ, स्कॉफ या कफ, कफ मीन्स खांसी, स्कॉफ मीन्स होता है मजाक, ठीक है, किसी प्रकार का मजाक, ठीक है। सिनोनिम्स में देखते हैं मॉक, ड्राइड और रिडिक्यूल। एंटोनिम्स होता है फ्लैटर, प्रेज और कम्प्लीमेंट, ये सब क्या होते हैं इसके एंटोनिम्स होते हैं। अब आगे इसकी बात करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मजाक, ठीक है, जो काफ़ी, जो ऐसे लोग जिनको क्या होता है खांसी आती है, बूढ़े लोग होते हैं, वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी, मतलब इनके खांसने की उम्र है पर ये क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, ठीक है। स्कॉफ्स, ठीक है, देखा होगा ये क्या है, मजाक, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो वर्ड है वो हमारा है अनप्रेसिडेंट, अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा काम जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इसको देखते हैं जरा, अनप्रेसिडेंट मतलब होता है अनइक्वेल्ड, अनमैच्ड, अनरिवेल्ड, ये सब क्या होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है प्रेसिडेंटेड, फेमिलियर और यूजुअल, ये सब क्या होते हैं इसके एंटोनिम्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस समय क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, और शायद ऐसा बहुत ही कम होता है देश में, ठीक है। अभी हमारे लिए क्या है, यह अभूतपूर्व घटना है, जो इतना लंबा लॉकडाउन चल रहा है, पूरे विश्व में चल रहा है, तो ये सब क्या है, ये क्या है, अनप्रेसिडेंट है, ठीक है। तो याद रखिए, ये अभूतपूर्व क्या है, घटना है। सालुब्रियस, सालुब्रियस का मतलब होता है हेल्दी, ठीक है, जो आपके लिए हेल्दी होता है, ठीक है, स्वास्थ्यप्रद, ठीक है। जैसे कि आपके लिए क्या होते हैं, फल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, हेल्दी डाइट, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मेडिसिनल, ठीक है, मेडिसिनल। और दूसरा है हमारा टॉनिक, ये सब क्या होते हैं, हेल्दी होते हैं, सिंपल मीनिंग है। सेलुब्रियस के सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स होता है अनहेल्दी और इन सेलुब्रियस, अनहेल्दी और इन सेलुब्रियस, ये सब क्या होते हैं इसके एंटोनिम्स होते हैं। सेलुब्रियस जैसे कि आपने ये देखा इमेज, अब देखिए आपको यहाँ पर दो लेडीज़ दिख रही हैं, एक जो मतलब फलूल से बनी हुई है, तो ये आपके लिए कैसी हो गई, सेलुब्रियस हो गई। सेलुब्रियस मतलब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि आपको ये जो इमेज दिख रही है इसमें क्या है, सिर्फ आपको फल दिख रहे हैं, सब्जियाँ दिख रही हैं और हेल्दी चीज़ें दिख रही हैं, जबकि जो उसके पीछे, इनका नाम सालू है, ठीक है, और ये सालू कैसी हैं, बहुत ही लड़ाका हैं, जो हमेशा शुरू हो जाती हैं। तो देखिए ये आपके लिए अनहेल्दी हैं और ये आपके लिए क्या है, हेल्दी हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिए, सालू अनहेल्दी है जबकि सेलुब्रियस क्या होता है, आपके लिए हेल्दी होता है। स्पेट, ठीक है, तो देखिए पेट दिख रहा है इन दोनों का, तो ये क्या है, पेट, और हम पढ़ रहे हैं वर्ड अपना स्पेट। स्पेट का मतलब होता है झोंक लेना, जैसे कि ये बड़े पेट वाले लोग क्या करते हैं, खाने को झोंक लेते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में और बहुत ही ज़्यादा एक एक साथ करके खा लेते हैं, तो ये क्या होता है, स्पेट होता है। सिनोनिम्स होते हैं इसके डिलज, फ्लड, फ्लरी, आउटपोरिंग, स्ट्रिंग और सक्सेस, ठीक है, ये स्टायरिंग है और सक्सेशन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम्स होता है इसका ड्राइबल, ड्रिप, ट्रिकल, ड्राइबल, ड्रिप,
ट्रिकल, ये सब क्या होते हैं, इसके एंटोनियम्स होते हैं। तो स्पेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि बहुत बड़ी मात्रा में झोंक लेना, ठीक है। तो एक ही जैसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इस वर्ड को, ठीक है। जैसे स्पेट है तो जब खाता है तो एक ही जैसी चीज़ें जल्दी जल्दी भरता है, ठीक है। जैसे कि आप इसमें बाढ़ भी कह सकते हैं, इसका मतलब जो सेकंड मीनिंग निकलता है वो बाढ़ भी होता है, क्योंकि बाढ़ क्या होता है, सिर्फ पानी ही पानी होता है उसमें, और क्या होता है वो अचानक से आता है, झोंक दिया जाता है, ठीक है। किसी शहर किसी इलाके में पानी अचानक से आ जाता है। तो इसका याद रखिए, देखिए यहाँ पर आपको फ्लड भी लिखा है, ठीक है, दिखा दूँ तो बहुत ही सिमिलर मीनिंग होता है स्पेट का। अब बारी है रिवीजन की, रिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखिए स्कॉफ, स्कॉफ का मतलब होता है व्यंग, ठीक है, मजाक करना, जैसे कि मैंने बताया था खांसने की उम्र में मजाक करते हैं, स्कॉफ और कफ, ठीक है। अगला जो वर्ड था वो था हमारा एलिवेट, एलिवेट का मतलब था कम, कम किसको, दर्द को कम करना, ठीक है। एक पप्पी की इमेज थी जिसमें क्या कर रहे थे, अले अले अले, और वेट से याद कराया था एलिवेट। ऑनर्स का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, और किसके लिए यूज़ होता है जिम्मेदारी, जैसे इसको सिमिलर यूज़ किया जाता है कम जिम्मेदार लोगों के लिए या ज़्यादा जिम्मेदार, ठीक है। फिलहाल एक जिम्मेदारी याद रखिए। अगला है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ हो, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड। अगला है स्पेट, स्पेट मीन्स होता था झोंक देना बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इसका सेकेंड मीनिंग था फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़। अगला है हमारा सैलुब्रियस, सैलुब्रियस होता था स्वास्थ्यप्रद, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। फिर है आपका ग्रिसली, ग्रिसली का मतलब होता है डरावना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डरावना, ठीक है। स्टोरिक, ठीक है, स्टोटारिक मतलब होता था गूढ़, ठीक है, जो छुपी हुई बातों को जान ले, छिपी हुई बातों को पढ़ने वाला, जिसे हम कह सकते थे एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, या हम कह सकते हैं सातों इंद्रियों को जगाने वाला, ठीक है। बल्ज का मतलब होता था उभार, ठीक है, इसे हम गांठ भी कह सकते हैं। उभार कैसा उभार होता था ये, जिसमें नोक निकली होती थी आगे को, ठीक है। एमुलेट, एमुलेट का मतलब होता है नकल, ठीक है, बिल्कुल नकल, हूबहू, जैसे डेड और सन, ठीक है, इससे याद करिए। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कभी कभी मैं बीच में अटकता हूँ तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगा, और कभी कभी थोड़ा सा मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाती है बोलने में। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत आपका बहुत ज़्यादा ही धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।